फ्रेंड्स, जो लोग भी सऊदी में हैं या फिर जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि सऊदी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब शुरू होने वाली है। क्या है ये पूरी खबर, हम आगे आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि क्या 15 सितंबर से सऊदी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर खलीज टाइम्स के द्वारा जारी किए गए इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने खलीज टाइम्स की ये लेटेस्ट रिपोर्ट दिख रही होगी, जहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 सितंबर से सऊदी में फ़्लाइटों को कुछ लिमिट में खोला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी। इसमें ये बात लिखी है कि 15 सितंबर से कुछ फ़्लाइटों को खोला जा रहा है। अब बात करते हैं कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू होंगी, तो इस न्यूज़ में इस बात की भी जानकारी है कि रेगुलर राष्ट्रीय उड़ाने चालू होने में थोड़ा और समय लगेगा और उसकी सही सही डेट तकरीबन 1 जनवरी 2021 की आ रही है। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2021 एक लंबा समय होता है, लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले यहाँ पर सऊदी की सरकार सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू कर देगी। हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हुए G20 मीटिंग में सऊदी की सरकार ने सभी देशों से ये वादा किया था कि सऊदी की सरकार बहुत ही जल्दी अपने यहाँ पर फ्लाइटों को खोलने वाली है। आपको फ्रेंड्स ये जानकर खुशी होगी कि इस G20 में भारत भी एक सदस्य है, यानी कि यदि सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खुलेंगी तो अवश्य ही भारत के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खुल जाएंगी। इस न्यूज़ में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं जिनको भी जान लेते हैं। तो इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि सऊदी की सरकार यहाँ पर यह बात बता रही है कि इसमें उन सभी लोगों को आने की इजाज़त होगी जिनके पास भी सऊदी का रेजिडेंस वीज़ा है या फिर वह गल्फ कंट्री के सिटीजन हैं। ये सभी लोग सऊदी में 15 सितंबर के बाद आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए उनको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा और वह कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट 48 आवर्स से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उमराह जाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि वह लोग भी अब 15 सितंबर के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अभी इस मामले में थोड़ी और जानकारी आनी बाकी है कि कौन सी एयरलाइंस को यहाँ पर परमिशन मिलेगी जो कि सऊदी में अपनी उड़ानों को शुरू करेगी। इसमें जैसे ही कोई नई सूचना आएगी हम आपको अवश्य शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको एक जरूरी जानकारी बता दें कि इस समय भारत और सऊदी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर सऊदी की कई बड़ी कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही है और भारत के लाखों लोग सऊदी में काम करने के लिए आते हैं। यदि सऊदी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी तो उसमें अवश्य ही भारत का नाम आएगा और वह भारत के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन अवश्य कर लेगी। हम अपने चैनल पर लगातार एयरलाइंस की रेगुलर अपडेट लेकर आपके लिए आते रहते हैं। यदि आप सऊदी या फिर कोई भी दूसरे देशों की एयरलाइंस की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे।